पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन के बनाए गए नए उम्मीदवार एसटी हसन ने मुरादाबाद पहुंचकर वंदे मातरम पर राजनीतिक बयान देते हुए उसे धर्म से जोड़ दिया है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों के समर्थन में ये बयान दिया है। पिछले कई दिनों से सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार पर चल रहा घमासान आखिरकार शनिवार की रात उस समय थम गया जब मीट कारोबारी नासिर कुरैशी का टिकट काटकर पूर्व मेयर और कैबिनेट मंत्री आजम खान के नजदीकी डॉक्टर एसटी हसन के नाम कर दिया गया। इस टिकट के बदलाव के चलते सपा में ही गुटबंदी नजर आने लगी है। पार्टी का सिंबल लेकर आज एसटी हसन मुरादाबाद पहुंचे तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया के सामने आए और आते ही केंद्र की मोदी सरकार पर बरसते हुए मोदी सरकार की खामियां गिनाने लगे। वहीं जब उनसे वंदे मातरम पर सवाल किया गया तो वो बोले, इस बारे में धार्मिक गुरु से विचार करेंगे, अगर उनका धर्म उन्हें इजाजत नहीं देता तो वो भी वंदे मातरम के विरोध में खड़े हैं। दरअसल कुछ दिन पहले उन्हीं की पार्टी से संभल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने वंदे मातरम का पुरजोर विरोध किया था। मुरादाबाद उम्मीदवार ने इस लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर पर कहा कि उनके आने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं एसटी हसन ने उन अफवाहों को भी दरकिनार करने की कोशिश की है। देखिए, चुनाव ये देश की किस्मतों का फैसला करने जा रहा है। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज देश के ऊपर सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं, देश की एकता अखंडता को खतरा है, देश के अंदर जुमलेबाज लोग, झूठ और फरेब की बातें करने वाले लोग, जिन्होंने हमारे देश की भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बनाकर, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, वो सब झूठ बोल बोल कर उन्होंने वोट हासिल किया। लेकिन पिछले 5 साल में हमें और हमारे देशवासियों को बहुत मायूसी हुई है, और ख़ास तौर से ये मुल्क, हमारा मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब का आलमबरदार है, जिसने जो एक रंग बिरंगी गुलदस्ते की तरह तमाम दुनिया में महकता है और तमाम दुनिया को अपनी खुशबुओं से महकाता है, इन लोगों ने इस गुलदस्ते को भी तितर बितर करने की कोशिश करी। वो देश की आवाम, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, दलित भाई हो, सिख और ईसाई हो, हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हमारे प्यार मोहब्बत के अंदर कोई दखल अंदाज हो। हम सब मिलकर ऐसी फ्रॉड लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर हम परास्त करेंगे, इनको पूरी तरह हराएंगे और देश के अंदर एक विकास का माहौल पैदा होगा, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल पैदा होगा। 5 साल के अंदर कोई भी गिनाने लायक विकास नहीं है। रूटीन के विकास हुए हैं, वो हर गवर्नमेंट किया करती है, लेकिन गिनाने लायक कोई विकास नहीं किया करा गया है। देखिए, हम लोग अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, अपना खून हम बहा सकते हैं, ये हमारी मादर वतन है। हम मुसलमान किसी दूसरे देशवासी से कम मोहब्बत अपने इस देश से नहीं करते हैं, अपने इस मादर वतन से नहीं करते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा मज़हब इस्लाम, जो हमें किसी दूसरे चीज़ की इबादत करने को मना करता है, अगर किसी दूसरे को अल्लाह की वैधानियत में शरीक करने को मना करता है, तो हम मुसलमान वो काम नहीं कर सकते जो कि हमारा ईमान और हमारा इस्लाम मना करता है। नहीं, जानने का रीज़न ये था कि क्या आप भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन करेंगे इस बात पर या किस तरह से? देखिए, ये मैं मौलवी हजरात से इस पे राय लूँगा। अगर इससे हमारे ईमान पे कोई हरफ आता है तो समर्थन करूँगा, अगर नहीं आता है तो इसका समर्थन नहीं करूँगा।